बेगूसराय में क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। बाहर से आ रहे मजदूरों को क्वारंटाइन करने के बाद जिला प्रशासन समुचित व्यवस्था का दावा कर रही है, लेकिन सेंटर पर कुव्यवस्था को लेकर हंगामा हो गया। बखरी नगर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर पर कुव्यवस्था के खिलाफ वहां भर्ती लोगों ने कल शाम जमकर हंगामा मचाया। बीते दो दिनों में दूसरे प्रदेश से आए बड़ी संख्या में मजदूरों को यहां क्वारंटाइन किया गया है। उन लोगों का आरोप है कि केंद्र पर लोगों को रहने सहने और खाने पीने का कोई शेड्यूल नहीं है। दोनों टाइम के खाना में केवल चावल दिया जाता है, जिसके गुणवत्ता का भी ख्याल नहीं रखा जाता। कई मजदूरों ने बताया कि वे लोग दूसरे प्रदेशों से पैदल चलकर यहां पहुंचे हैं। दोनों टाइम भात खाने से सूजन बढ़ने की संभावना है। उन लोगों को सुबह में चाय भी नहीं दिया जाता है। मजदूरों ने बताया कि यहां लगभग 200 की संख्या में लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। संख्या के लिहाज से ना तो चप्पाकल है और ना ही शौचालय। रात्रि में मच्छर के प्रकोप के कारण वे लोग सो नहीं पाते। इससे अच्छा तो होता उन्हें अपने घरों में होम क्वारंटाइन किया जाता। हंगामा की सूचना पर बकरी थाना की पुलिस और SDO अनिल कुमार मौके पर पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया। हरे रामदास, टुडे बिहार न्यूज, बेगूसराय। सर, हम लोग को 5 दिन पहले से रोटी मिलती थी, रोटी मिलना बंद हो गया, जिससे हम लोग परेशान है। और चाय मिलना चाहिए, चाय भी नहीं मिल रहा है सर। और एक सर, एक लेडीज है जो उसके गोद में 2 महीना का बच्चा है, वो हरिपुर से आई थी सर। उसको भी क्वारंटाइन के अंदर रख लिया गया। तो हम लोग का कहना है कि सर उसको छोड़ दीजिए, वो चावल कैसे दोनों टाइम खाएगी। हम लोग का कहना है कि एक टाइम हमें रोटी मिलना चाहिए, बस यही है, चाय मिलना चाहिए सुबह। वो जो लेडीज है वो हरिपुर से इधर में आया अपने मायके, तो हम लोग को कहना है कि एक लेडीज हमारे क्वारंटाइन सेंटर में है, तो उनको वापस उनके स्टेट में, सॉरी उसके डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाए, जो वहाँ पर उसको सही से देखभाल हो सके। और यहाँ पर हम लोग को रोटी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग पैदल उतना दूर से आए हैं, केरल से भी आया है बहुत आदमी, कुछ आदमी गया से आया है। सभी आदमी को यही है निर्णय हम लोग लिए हैं आपस में थोड़ा दूरी बना करके, कि हम लोग को चावल मिलना नहीं, एक टाइम चावल खाएंगे सुबह में, शाम को हम लोग को रोटी चाहिए, क्योंकि हम लोग को पाँव फूल चुका है, सूजन बन जाएगा तो दिक्कत होगा आपस में। इसीलिए हम लोग को सबसे ज्यादा अधिक परेशानी, और रात को मच्छर हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो मच्छर के लिए हम लोग को कॉइल को व्यवस्था की जाए। बोला है एक हफ्ता में साफ हो गया, अभी तक 10 बजे हो गया, साफ भी नहीं होता है, लेटरिन भी नहीं है बढ़िया से। और बोला 4 रोज लगेगा लेटरिन बनाने में, बात लाने भी जगह नहीं है। और एक प्रशासन को बोला था, वो बोला कि मैं अपना औकात दिखाऊं और तेरे को 2 मिनट में जेल भेजूंगा। एक प्रशासन आया था, वो बोला था मैं तेरे को 2 मिनट में अभी पुलिस लगा के मरवाऊंगा और तेरे को जेल भेजवाऊंगा। वो प्रशासन क्या औकात है दिखाए, वो प्रशासन मैं नाम नहीं जानता, वो प्रशासन कौन था, कल आया।